नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में अगले महीने यानी कि अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है और एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर सभी दलों में सहमति है जो एनडीए के साथ है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने पर सभी दल सहमत हैं, लेकिन अब दाल में कुछ काला नजर आ रहा है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और एलजेपी के बीच कलह खुलकर सामने आने लगी है। एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने पत्र में कहा है कि बिहार सरकार के कामकाज से लोग नाखुश हैं और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने पत्र के जरिए बिहार सरकार कैसा काम कर रही है और राज्य में कोरोना वायरस महामारी की जमीनी हकीकत के बारे में चर्चा की। ये पत्र हालांकि अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने पत्र में एलजेपी बिहार के संसदीय बोर्ड की बैठक में मिली प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया। बिहार में नौकरशाही किस तरह से काम कर रही है इसका भी जिक्र किया और इसका असर बिहार के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है ये बात भी कही। जेडीयू की लोकप्रियता के बारे में जानने के लिए एलजेपी ने 16 सितंबर को अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। जेडीयू और उसके नेताओं के साथ जिन मुद्दों पर टकराव है उन पर चर्चा के लिए एलजेपी ने ये बैठक बुलाई है। बता दें कि इससे पहले माना जा रहा था कि गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने दो दिनों के बिहार दौरे के दौरान सभी गतिरोधों को दूर किया। इसके बाद घटक दलों के सुर बदले हुए हैं। कल तक जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ गए तो नीतीश कुमार के पक्ष में चिराग पर हमलावर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी चुप है। इससे पहले चिराग पासवान ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बीच दरार की बात को खारिज करते हुए कहा था कि मुझे एनडीए के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार से कोई समस्या नहीं है। गौरतलब है कि चिराग पासवान द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना ने एलजेपी के नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर संदेह पैदा कर दिया था। चिराग ने कहा था कि मैं बीजेपी द्वारा चुने गए किसी भी टॉम डिक या हैरी के साथ हूँ, जिसके बाद ये सस्पेंस बढ़ गया था कि नीतीश कुमार को लेकर क्या एलजेपी वाकई में खुश है। लेकिन ये कहानी अब फिर से पलट गई और चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ नाराजगी जताकर पीएम मोदी को पत्र लिख दिया, जिसके बाद अब बिहार चुनाव में नीतीश के नाम पर विरोधाभास साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।